गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हमारा टर्म है हिंदी टेक्स्ट बुक। हिंदी टेक्स्ट बुक में हम क्या पढ़ेंगे? स्वरमाला, हिंदी वर्णमाला, स्वर वर्ण। आइए देखते हैं, चलिए हम लोग पढ़ते हैं वर्णमाला। ये देखिए कौन सा अक्षर आ गया हमारा, अ। कौन सा अक्षर है हमारा यहाँ पे? अ है। और अ से क्या होता है? अनार। अ से क्या होता है? अनार। देखिए ये किसका चित्र है? ये अनार का है। और ये कौन सा अक्षर है? अ। अ से क्या हो गया हमारा? अनार। अ से अनार। अ से क्या होगा? अनार। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या होता है? ये देखिए अ से अनार। अब आगे आ गया आ। और आ से क्या होता है हमारा? आम। ये अ के बाद आता है आ, ठीक। और आ से क्या होता है? आम। आ से क्या होता है? आम। और आ से क्या होता है? आम। ये कौन सा अक्षर है हमारा यहाँ पे? कौन सा अक्षर दिखाई दे रहा है? आ दिखाई दे रहा है। अ के बाद क्या आया है? आ। और आ से पहले क्या हम लोग देखे हैं? अ। अ आ ऐसे भी पढ़ते हैं। ओके चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है हमारा। आइए, अगर कोई पूछेगा कि आ से क्या होता है तो क्या बताएंगे? आम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आइए, आ से आम। वाह कितना रसीला है आम। आगे क्या आ गया? छोटी ई। और छोटी ई से क्या होता है? इमली। ये क्या है? छोटी ई। ये कौन सा अक्षर है? छोटी ई है। और छोटी ई से क्या होता है? इमली। और ये क्या लिखा है? इमली। छोटी ई से इमली। कोई पूछेगा कि आ अक्षर के बाद से कौन सा अक्षर होता है तो क्या बोलेंगे? छोटी ई। अ आ छोटी ई। छोटी ई से इमली, खट्टी खट्टी इमली। आगे क्या है? बड़ी ई। बड़ी से ईंख। बड़ी से क्या हो गया? ईंख। आपको पता है ये क्या है? ईंख है। बड़ी इससे ईंख। और ईख से हम लोग क्या करते हैं? जूस निकालते हैं। इसे ईख का रस निकालते हैं। ये देखिए इस मशीन के द्वारा निकाला जा रहा है, इसे ईख होता है। अब गर्मी आ रही है ना, अब सबको ईख का रस मिलेगा, ईख की जूस मिलेगी। बड़ी इससे ईख। छोटी से इमली पढ़े, अब बड़ी से ईख, मतलब बड़ी ई हम लोग पढ़ लिए। अ आ छोटी बड़ी। आगे देखते हैं, बड़ी के बाद से हमारा कौन सा अक्षर आता है? छोटा ऊ। छोटा ऊ से, छोटा ऊ से क्या दिखाई दे रहा है आपको? उल्लू। छोटा ऊ से उल्लू। छोटा ऊ से उल्लू। कोई पूछेगा आपसे कि ये कौन है, क्या है? आप बोलेंगे उल्लू। और उल्लू कौन से अक्षर से होता है? बड़ी इसे नहीं। किस अक्षर से होता है? छोटा ऊ से। और छोटा ऊ से ये क्या हो गया है हमारा? उल्लू। छोटा ऊ से उल्लू। चलिए छोटा ऊ के बाद क्या आता है, आइए देखते हैं। ओके, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ से क्या हो गया हमारा? ऊन। बड़ा ऊ से ऊन। बड़ा ऊ से ऊन। ये क्या दिखाई दे रहा है? ऊन दिखाई दे रहा है। और ये क्या है? बड़ा ऊ से ऊन है। बड़ा ऊ से हमारा क्या दिखाई दे रहा है? ऊन दिखाई दे रहा है। मतलब छोटा ऊ के बाद से कौन सा अक्षर आता है? बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ से क्या होता है? ऊन होता है। अब आगे बढ़ते हैं, बड़ा ऊ के बाद से क्या आता है? चलिए, री से ऋषि। री से ऋषि। कोई पूछेगा बड़ा ऊ के बाद क्या आता है तो आप क्या बोलेंगे? री से ऋषि। इस चित्र में देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको? ऋषि दिखाई दे रहे हैं, साधु जी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। री से ऋषि होता है। री से क्या होता है? ऋषि। अ आ छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ री। आपका ये क्या हो गया? री हो गया, ठीक है। री से ऋषि। आगे बढ़ते हैं, री के बाद से क्या होता है? ठीक, री से ऋषि के बाद से एड़ी। ए से एड़ी। आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? ए से एड़ी। ये क्या है? ये कौन सा अक्षर है? ए से एड़ी। ए से एड़ी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, से एड़ी के बाद से क्या आता है हमारा? ए। ऐसे क्या होता है? ऐनक। ऐसे ऐनक। ऐसे ऐनक। ऐसे एड़ी
ऐसे ऐनक, ए ऐ, ऐसे क्या हो गया ये ऐनक, ऐसे ऐनक। कोई पूछेगा ऐसे क्या होता है, तब क्या बोलेंगे ऐनक। आगे क्या होता है, ऐसे ऐनक मीन्स ओ से ओखली, ओ से ओखली, ओखली में हम लोग काली मिर्च अदरक उसमें कूटते हैं ओखली में, ओ से ओखली, ओ से ओखली आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ओ से क्या हो गया हमारा, ओ से ओखली। चलिए ओ से ओखली के बाद से क्या होता है हमारा, ओ, ओ से औरत, ओ से औरत, ओ से औरत, ओ औ, ओ के बाद क्या आता है औ, ओ के बाद से ओ, और ये किसका चित्र है औरत का, ओ से औरत, ओ से, ओ से औरत। अब आगे बढ़ते हैं, ओ से औरत के बाद से अंग से अंगूर, अंग से अंगूर दिखाई दे रहा आपको, ये क्या है अंग, और अंग से अंगूर, अंग, अंग से अंगूर। इस चित्र में देखिए क्या दिखाई दे रहा है, अंगूर, अंग से अंगूर। आह खाली होता है, आह से कुछ नहीं होता है, आह खाली होता है, अंग से अंगूर पढ़ लिए हैं तो आह खाली, आह देखिए खाली है, और खाली बजाओ बच्चों ताली। अ आ छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ री ए ऐ ओ औ अंग अह। आप इसको याद करिए, व्हाट्सएप वीडियो बनाइए और सुनाइए मुझे कि अ से अनार होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय एवरीवन।